क्या हुआ था सुबह से उधर लाइसेंस के लिए शारजा की साइट पे जो है, तो उन्होंने कहा है आपका पुराना लाइसेंस दुबई का है ऑलरेडी, तो आप जो है पहले दुबई जाएंगे, वहाँ से पता करेंगे, और अगर वहाँ रिन्यू होता है देन यू गो अप्लाई देयर। उन्होंने कहा यार इट्स बिन मोर देन 15 ईयर्स, से ज़्यादा का हो चुका है कि मैं वहाँ होता था, तो अब तो फाइल ख़त्म हो गई होगी। बोलता है नहीं, यहाँ पर शारजा में जो है वो तो आप 20 ईयर्स का भी कर लो तो कोई मसला नहीं है, वापस आकर रिन्यू करा सकते हो, तो यू हैव टू गो एंड चेक वहाँ पर, और अगर वो कहते हैं कि नहीं शारजा से अप्लाई करें तो फिर आप शारजा आ जाओ। तो अब जनाब आई एम गोइंग टू दुबई और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो बाकी अल्लाह बेहतर करता है, लेट्स सी क्या है। सी है ये, आई एम सो हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह आराम से हो गया हुआ ये कि इन्होंने कहा है कि जो है अपना लाइसेंस दो सऊदीया का, फिर मेरा आईडी लिया है उसने, उसके बाद फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट की है कि मेरा ऑलरेडी पुराना पड़ा हुआ है दुबई का लाइसेंस जो है, तो उसने कहा चलो मैं ट्राई करता हूँ देखता हूँ, तो वो फिर गया है अपने सुपरवाइज़र के पास, फिर सुपरवाइज़र को ये रिक्वेस्ट की है, फिर सुपरवाइज़र ने कहा है चलो मैं ट्राई करता हूँ, फिर वो अपने मैनेजर के पास गया है, फिर मैनेजर को रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने फिर कह दिया कि ठीक है लेकिन यह है कि तुम्हें फ़ाइन जो है वो इतना पुराना अब तक देना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड टू वेट अ वाइल, लेकिन सारा का सारा काम हो गया, लाइसेंस इशू हो गया दुबई का, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 5 ईयर्स वैलिडिटी एंड एक्सेलेंट, यस अभी कोई टेस्ट नहीं देना पड़ा, कोई कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू अल्लाह मियाँ, और हो गया जी। उफ इट्स सो रिलीविंग, एंड इतनी अच्छी है गवर्नमेंट जो है, इतनी अच्छी है गवर्नमेंट यूएई की जो है कि उन्होंने फ़ौरन इशू भी कर दिया है, एंड दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इट वाज वंडरफुल। मेरा लाइसेंस भी नहीं रखा है उन्होंने सऊदीया का जो है, और मुझे दुबई का भी इशू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो इतनी ज़्यादा है आज जो है कि कसम से सड़क के ऊपर जो है ना आप अंडा फ्राई कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। उफ लिटरली जो है ना सही बर्निंग वाली हीट नहीं होती, स्कॉर्चिंग किस्म की हीट वो है, बहुत गर्मी है। चलो अल्लाह ताला खैरियत रखे, जो भाई जो हैं इस हीट में इतनी मजदूरी करते हैं, ये काम करते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए और सब के रिस्क में इजाफा फरमाए, आमीन। ये रेडी गेट सेट गो है ये, कह रहे इट्स टू हॉट देयर, बाहर गर्मी है। अच्छा मुझे बातें करो, सारी ज़्यादा बातें बताओ, वो इसकी किंग कॉन्ग की और स्कल क्रॉलर की फाइट तो बताओ ज़रा, क्या हुआ था? जल्दी आओ ना इधर, बातें बताओ, मैंने कहा था बातें करो, बातें करो, बातें करो। अच्छी कांग, बिग वन, गशला, फाइट, फाइट। अच्छा The end. Good job, good story. आज हम फिर एक घर देखने आए हैं, और ये देखिए मेरे पीछे आपको व्यू कितना अच्छा नजर आ रहा है। सी है, अंधेरा है यहाँ पे बिल्डिंग में, ज़ाहिर है यहाँ पे लाइट नहीं इस टाइम पे होती, लेकिन ब्रेथ टेकिंग व्यू है। और मैं आपको पता दिखाना के चाहती हूँ, मैं आपको दिखाना ही चाहती हूँ कि 48th फ्लोर से
नीचे कैसा लगता है, और बालकनी आपके 48th फ्लोर पे आपका घर और बालकनी हो तो कैसा लगता है। मुझे पर्सनली बहुत डर लग रहा है और मैं शायद ये घर ना लूँ, बहुत ही ऊंचा है, बहुत डर लग रहा है। अच्छा, और हालांकि यहाँ पे ईयर्स एंड ईयर्स एंड डेकेड्स एंड सेंचुरीज से घर खड़े हैं, बिल्डिंग्स खड़ी हैं, लेकिन फिर भी पता है डर लगता है, मैं तो आदी नहीं हूँ ना। और सेकेंड ऑफ ऑल, सेकेंडली मैंने ये भी बोलना था कि जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी हमें नहीं पता, हम घर रैंडम बीच में आके ना, अक्सर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो हम ढूंढते रहते हैं, तो जब हमें अपनी मर्जी घर मिल जाएगा हम मूव कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने इमीडिएट बेसिस पे मूव करना है या फिर हमने थोड़ी देर बाद मूव करना है, बस जब हमें जो भी ऑनलाइन को अच्छा घर नज़र आए हम देखने चले जाते हैं। सो इसी चक्कर में हम यहाँ पर भी घर देखने के लिए आए हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ डोर, और यहाँ से हम एंटर होते हैं तो ये सामने व्यू है, ठीक है, ये सारा सी व्यू है। घर नो डाउट बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो व्यू है ये मुझे मेस्मराइज करने के बजाय डराने लगा हुआ है। 48th फ्लोर पे, अभी तो ये जस्ट आप इसको शीशे में से देख रहे हैं, और लेकिन जब आप इसको देखेंगे बालकनी में से तो रियल लाइफ में बहुत स्केरी लग रहा है। ओके, तो दिस इज़ द किचन, किचन छोटा सा ही है, इससे अंदाज़ा कर लें छोटा सा ही है। कैबिनेट्स का कलर भी वही है जो मेरी कैबिनेट्स का है, मेरी किचन से छोटा है। और ये एक बाथरूम है, और ये दूसरा बाथरूम है यहाँ पे, ये वाला, और ये कबर्ड्स हैं, और ये मास्टर बेडरूम है, और ये चेक करें ज़रा, ये है जी, ये देखें, ये है 48th फ्लोर से नीचे का व्यू, ये है, उसके बाद हम यहाँ पे अंदर आते हैं। ये वही बेडरूम था, उसके बाद इधर हम जाते हैं तो एक और रूम है, बस ये है, दो बेडरूम है इसमें, ये एक और बाथरूम है, और एक ये छोटा सा रूम है, रूम बहुत छोटे हैं, और ये है यहाँ पे भी, हर रूम में मतलब सी का व्यू है जी। अच्छा बेटा, अच्छा, ओके, यहाँ से डर नहीं लग रहा देख के क्योंकि सारी विंडो बंद है, ये देखें, यहाँ पे आयशा वो क्या बोल रहे थे, यहाँ पे एक साइड पे शारजा नज़र आता है और एक साइड पे कौन, वो शारजा है वहाँ पे वो सामने, और ये हाँ वो सारी जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है ना, वो हाई राइज बिल्डिंग्स है पूरा, देखें मैं आपको दिखाती हूँ शायद आपको आइडिया, ये जो नज़र आ रही है ये सारा शारजा है, ठीक है, ये देखें, ये देखें और ये जो है, ये कैसा लगा शरार व्यू? व्यू अच्छा है, ये छोटी बालकनी का मजे नहीं लेकिन खुशी नहीं है, मजे नहीं है ना, हाँ इससे बेहतर नॉट वर्थ द प्राइस, इससे नीचे जो 45 का था वो ज्यादा बेहतर था यार, हाँ एग्जैक्टली, उसके दो बालकनी थी, हाँ उसके दो बालकनी थी, हाँ उसमें दो थी, लेकिन वो मजा नहीं है एग्जैक्टली। उसको अपनी बड़ी हुआ वर्सेस गोशाला वर्सेस कॉन्ग वर्सेस किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला, वो वर्सेस पहले लगता है, अच्छा सीन में से गॉडजिला नजर आ रहा है। चले जी आए चलते हैं, इनका बाहर से व्यू है, यस बेबी, ये बाय द वे हम ना अजमान की साइड पे आए हैं, और यहाँ पे बिल्डिंग के नीचे छोटा सा मॉल भी बना हुआ उनका अपना ही, अच्छी जगह है, मज़े की जगह है, लेकिन वो सारी अमेनिटीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली, अगर देखा जाए ना तो हमें नहीं चाहिए वो अमेनिटीज़, एसी भी फ्री है यहाँ पे, हाँ हमारा जो बिल आता है वो 700-800 तक आता है पर मंथ ना एसी की वजह से, और दिरहम्स, ठीक है, और यहाँ पे वो फ्री है एसी, लेकिन यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, मोर और लेस एक जितना ही थोड़ा बन जाता है, लेकिन फिर भी है ना रेंट टू मच है, छोटे से घर के लिए बहुत ज़्यादा है,
व्यू चाहिए, लेकिन इस तरह का व्यू नहीं चाहिए। मुझे तो डर लग रहा था बैल्कनी में खड़े होते हुए, फिर तो ऑनेस्टली डर, मुझे गिर ही ना जाऊँ, बच्चे ना गिर जाए, बिल्डिंग ना गिर जाए, लेकिन मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ नहीं है ना, तो मैं तो बहुत डर रही थी। यस बेबी,